बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अवैस नसीर है जी। हम थोड़ी सी कोशिश करते रहते हैं कोई दीन की बात जहाँ पे भी जितनी भी हो सके। असल में होता ही है कि दीन, अभी थोड़ी देर पहले भी बात हो रही थी कि दीन को हमने ना एक ख़ास तबके तक महदूद कर दिया है। अगर मैंने दाढ़ी रखी हुई है तो मुझे लगता है मैं ही दीनदार हूँ, ये जीन्स में जाने वाला बंदा दीनदार नहीं है। अगर आपके साथ ये भाई क्लीन शेव आए हैं तो मेरे जहन में खामखाई आ जाएगा कि पता नहीं यार, ये शायद, बेशक ये मुझसे ज़्यादा नमाजी हूँ, मुझसे ज़्यादा ज़कात देते हूँ, सदका देते हूँ, मैं ये समझता हूँ, जहन में अपने डाल लूँगा कि शायद ये दीन नहीं। दाढ़ी रखना भी दीन है, अल्लाह ताला मैंने रखी हुई है, अल्लाह ताला कबूल करे। अमामा पहनना भी दीन है, लेकिन दीन जो है ना वो इंक्लूसिव है, सब के लिए है। जो जीन्स में जा रहा है, यहाँ से लड़कियाँ जा रही हैं एक्सरसाइज करती हुई, उनके लिए भी दीन है, वो भी मुसलमान है। अल्लाह ताला हम सब को माफ़ करे। और हम, मेरे अंदर अगर कोई कोताही है, मैंने दाढ़ी रखी हुई है, हो सकता है मेरी नमाज में कमी हो, मैं ज़कात सही ना देता हूँ, मेरे रिश्तेदारों के साथ मामला ठीक ना हो, अल्लाह ताला वो दूर फरमाए। इसी तरह अगर कोई खातून है पर्दा नहीं कर पाती, हो सकता है अल्लाह ताला ने कोई और खैर रखी हो, जो उसके अंदर कमी है अल्लाह ताला वो दूर कर फरमा दे। तो यहाँ पर आप सब को एक खुली जगह पे एक ये जो दर्स और लेक्चर का हमने शुरू किया है, वो इस वजह से किया है कि अगर मस्जिद से कोई बंदा घबराता है वो भी यहाँ पे शामिल हो जाएं, और अगर कोई दीनदार तबके है मेरी आपकी तरह तो हम भी यहाँ पे आके बैठ सकते हैं। तो सब लोग बात सुने और खुली जगह आएँ, बैठें, गपशप लगाएं, एक दूसरे से दीन की बात करें।